Hey everyone, I am Pawan from TCML and in this video मैं आपसे बात करूंगा बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स के ऊपर. एंड जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स होती है ना, उसके अंदर मेनली हम फोर एंटीबायोटिक पढ़ते हैं. एंड इन फोर में से नंबर फर्स्ट क्या होगा, सिफोलोस्पोरिन. नंबर सेकेंड पेनिसिलिन. नंबर थर्ड मोनोबैक्टम. एंड नंबर फोर कार्बापेनम्स. एंड इन चारों बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स की बात करने से पहले मैं आपको कुछ बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक दिखा देता हूँ जिन्हें हम डेली रूटीन के अंदर यूज करते हैं. मतलब कि जब भी आपकी हॉस्पिटल के अंदर पोस्टिंग लगेगी, जब भी आपके इंटर्नशिप के अंदर पोस्टिंग लगेगी, तो आपको बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक मोस्ट कॉमन कहीं ना कहीं जरूर दिखाई देगी. एंड इनमें से नंबर फर्स्ट कौन सी है, अमोक्सिक्लेव, यानी कि अमोक्सिसिलिन प्लस क्लेविक्लोनिक एसिड. एंड जो अमोक्सिसिलिन है ये क्या होती है, दिस इज पेनिसिलिन. एंड मैंने बताया कि पेनिसिलिन ये क्या होती है, दिस इज बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक. एंड सेकंड कौन सी है, सेफ्ट्राइएक्सोन सेल्बैक्टम. एंड सेफ्ट्राइएक्सोन ये क्या होती है, दिस इज सिफेलोस्पोरिन. एंड सिफेलोस्पोरिन मैंने बताया कि ये क्या होती है, दिस इज बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक. देखिए मैं जो भी बोल रहा हूँ आपको वीडियो में दिखाई दे रहा होगा. एंड नंबर थर्ड कौन सी है, पाइपर टेजो, मतलब कि पाइपरसिलिन टेजोबैक्टम. एंड पाइपरसिलिन ये भी क्या होती है, पेनिसिलिन. एंड पेनिसिलिन ये क्या होती है, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक. एंड नंबर फोर एंटीबायोटिक कौन सी है, मेरोपेनम, आपको अभी वीडियो में दिखाई दे रहा होगा. एंड मेरोपेनम ये क्या होती है, दिस इज कार्बापेनम्स. अरे यार लास्ट में क्या रहा है, पेनम पेनम दोनों के, तो ओवरऑल मेरोपेनम ये क्या है, कार्बापेनम. एंड कार्बापेनम ये क्या होती है, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक. ओवरऑल इस वीडियो के अंदर मैंने फोर बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक की बात की. नंबर फर्स्ट कौन सी है, अमोक्सिसिलिन. नंबर सेकंड कौन सी है, सेफ्ट्राइएक्सोन. नंबर थर्ड कौन सी है, पाइपरसिलिन. एंड नंबर फोर कौन सी है, मेरोपेनम. एंड आपने अगर फोकस किया हो तो स्टार्टिंग की जो थ्री एंटीबायोटिक है ना, उसके अंदर एक और चीज ऐड है. मतलब कि पहली क्या थी, अमोक्सिसिलिन. इसके साथ क्या ऐड है, क्लेविक्लोनिक एसिड, यानी कि अमोक्सिसिलिन प्लस क्लेविक्लोनिक एसिड. नंबर सेकंड कौन सी है, सेफ्ट्राइएक्सोन. इसके साथ क्या ऐड है, सेल्बैक्टम. देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा. नंबर थर्ड कौन सी है, पाइपरसिलिन. एंड इसके साथ क्या ऐड है, टेजोबैक्टम. तो सर जो ये थ्री बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है, इनके साथ एडिशनली हमने क्या ऐड कर रखा है, मतलब कि क्लेविक्लोनिक एसिड, सेल्बैक्टम और टेजोबैक्टम, सर ये क्या है. ओके तो देखिए इन सारों की बात हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं. एंड एट फर्स्ट हम बेसिक कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं. मतलब कि जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक होता है, इसे सबसे पहले हम फोर क्लास में क्लासिफाई करते हैं. और वो फोर क्लास क्या होगी, पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, मोनोबैक्टम एंड कार्बापेनम्स. एंड अभी इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने पेनिसिलिन में टू पेनिसिलिन की बात की थी. सबसे पहली कौन सी होगी, अमोक्सिसिलिन, और दूसरी कौन सी होगी, पाइपरसिलिन. ओके दोनों क्या है, पेनिसिलिन. एंड सिफेलोस्पोरिन इसके अंदर मैंने किसकी बात की है, सेफ्ट्राइएक्सोन. ओके और देखिए इसके नाम के अंदर क्या रहा है, ट्राई, सेफ ट्राई, TRI, ट्राई मतलब थ्री. मतलब कि जो सिफेलोस्पोरिन है, इसे हम जनरेशन के बेस पे क्लासिफाई करते हैं. मतलब कि फर्स्ट जनरेशन सिफेलोस्पोरिन, सेकंड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन. एंड सेफ ट्राइएक्सोन, इसके नाम में ट्राई आ रहा है, मतलब कि कौन सी होगी, दिस इज थर्ड जनरेशन इंट्रावीनस सिफेलोस्पोरिन. देखिए इंट्रावीनस क्यों बोला, देखिए आप बॉक्स को देखिए ना, मेडिसिन के बॉक्स पे साफ साफ लिखा है इंट्रावीनस यूज. ओके तो ओवरऑल कौन सी होगी, आईवी थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन. कौन होगी, सेफ ट्राइएक्सोन. उसके बाद मैंने मोनोबैक्टम इसके अंदर कोई बात नहीं की, मतलब इसका कोई भी मेडिसिन मैंने नहीं दिखाई. एंड लास्ट एंड फाइनल क्या है, कार्बापेनम्स. इसके अंदर मैंने किसकी बात की, मेरोपेनम की, तो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया. ओके तो ये मैंने जनरल क्लासिफिकेशन बता दिया. एंड जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक होती है, ये काम क्या करती है, मतलब कि ये किस तरह से बैक्टीरिया को मारती है, किल करती है. तो ओवरऑल जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक होती है ना, ये बैक्टीरिया की सेल वाल के सिंथेसिस को इनहिबिट करती है. एंड ऑफ कोर्स अगर बैक्टीरिया की सेल वाल ढंग से बनी नहीं, बैक्टीरिया की सेल वाल का सिंथेसिस नहीं हुआ, तो ऑफ कोर्स बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी, मतलब बैक्टीरिया मर जाएगा. तो ओवरऑल हो गई ना एंटीबायोटिक, मतलब बैक्टीरिया को मारने वाली. और कैसे मारेगी, सेल वाल सिंथेसिस को इनहिबिट करके, बैक्टीरिया सेल वाल को इनहिबिट करके. एंड अब आपको सोचिए कि यार कोई मुझे मारने आएगा तो यार मैं थोड़ा बचाव तो करूंगा, मैं थोड़ा एस्केप करने के लिए कुछ ना कुछ करूंगा. ओके हाथ पांव मारूंगा. तो उसी तरह से जब बैक्टीरिया के पास, मतलब बैक्टीरिया को मारने के लिए बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक आती है ना, तो बैक्टीरिया फ्यू एंजाइम रिलीज करता है ताकि जो एंटीबायोटिक है ना वो इनएक्टिव हो जाए. मतलब कि बैक्टीरिया ने अपने बचाव के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए कुछ एंजाइम सीक्रेट किए, और उन एंजाइम ने क्या किया, जो एंटीबायोटिक है उसे इनएक्टिव कर दिया.
एंड ऑफ कोर्स अगर एंटीबायोटिक इनएक्टिव हो गए तो ऑफ कोर्स फिर वो एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को किल नहीं कर पाएगी। तो ओवरऑल बैक्टीरिया ने जो एंजाइम सिक्रीट किए ना, उन्हें हम क्या बोलते हैं, बीटा लैक्टिमेज एंजाइम। मतलब कि बीटा लैक्टिमेज एंजाइम ये किसने सिक्रीट किया, बैक्टीरिया ने। क्यों सिक्रीट किया, क्योंकि जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है वो बैक्टीरिया को मारने आ रही थी, तो बैक्टीरिया ने सोचा कि नहीं नहीं मैं मरूंगा नहीं, तो ओवरऑल इसने उस एंटीबायोटिक को ही इनएक्टिव कर दिया। किसके थ्रू, बीटा लैक्टिमेज एंजाइम के थ्रू। मतलब कि इस एंजाइम ने बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक की जो रिंग थी उसे ब्रेक कर दिया, एंड अगर बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक की रिंग ब्रेक हो गई तो ऑफकोर्स बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक इनएक्टिव हो गए, एंड बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक इनएक्टिव हो गए तो ऑफकोर्स वह बैक्टीरिया को किल नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, बैक्टीरिया का जो बीटा लैक्टिमेज एंजाइम होता है ना, उसे हम क्या कर देते हैं, इनएक्टिव कर देते हैं, उसे खत्म कर देंगे, ताकि जो बैक्टीरिया है वो हमारी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक को इनहिबिट ना कर पाए, इनएक्टिवेट ना कर पाए। ओके, एंड बीटा लैक्टिमेज एंजाइम जो कि बैक्टीरिया का एंजाइम है, इसी इनहिबिट करने के लिए हम कौन सी ड्रग एड कर देते हैं, बीटा लैक्टिमेज इनहिबिटर। एंड बीटा लैक्टिमेज इनहिबिटर इसके अंदर हम कौन कौन सी ड्रग्स पढ़ते हैं, क्लेविक्लोनिक एसिड, टेजोबैक्टम एंड सेलबैक्टम। देखिए आइए अब हमारी वीडियो के स्टार्टिंग पार्ट पे, मैंने बताए थे ना तीन ड्रग्स, सबसे पहले कौन सा बताया था, पाइपरसिलिन टेजोबैक्टम। तो पाइपरसिलिन ये क्या है, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक, एंड टेजोबैक्टम ये क्या हो गई, बीटा लैक्टिमेज इनहिबिटर। मतलब कि बैक्टीरिया का जो बीटा लैक्टिमेज एंजाइम है उसे कौन इनहिबिट करेगा, टेजोबैक्टम इनहिबिट करेगा, ताकि जो पाइपरसिलिन की एंटीबायोटिक एक्टिविटी है वो मेंटेन रहे। क्योंकि अगर हमने पाइपरसिलिन को डायरेक्ट दे दिया ना, तो बैक्टीरिया का बीटा लैक्टिमेज एंजाइम पाइपरसिलिन यानी कि बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक को इनएक्टिवेट कर देगा। मतलब कि पाइपरसिलिन एंटीबायोटिक को अगर हमने किसी पेशेंट के अंदर डायरेक्टली दे दिया, उसके अंदर हमने टेजोबैक्टम मिक्स नहीं किया, तो ओवरऑल जो बैक्टीरिया का बीटा लैक्टिमेज एंजाइम है वो हमारी पाइपरसिलिन एंटीबायोटिक का जो बीटा लैक्टम रिंग है उसे ब्रेक कर देगा, यानी कि पाइपरसिलिन यानी कि बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक को इनएक्टिव कर देगा। अगर एंटीबायोटिक इनएक्टिव हो गई तो फिर ये वाली एंटीबायोटिक पेशेंट के अंदर कुछ काम नहीं करेगी, क्योंकि बैक्टीरिया ने इसे इनएक्टिव कर दिया। तो इसीलिए हमने क्या किया, पाइपरसिलिन के साथ टेजोबैक्टम ऐड कर दिया, और टेजोबैक्टम ये क्या है, बीटा लैक्टिमेज इनहिबिटर। सेकेंड ड्रग मैंने क्या बताई थी, अमोक्सिक्लेव यानी कि अमोक्सिसिलिन क्लेविक्लोनिक एसिड। अमोक्सिसिलिन ये क्या है, दिस इज बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक, एंड क्लेविक्लोनिक एसिड ये क्या है, बीटा लैक्टिमेज इनहिबिटर। मतलब कि बैक्टीरिया द्वारा, मतलब कि बैक्टीरिया जो बीटा लैक्टिमेज एंजाइम सिक्रीट करता है उसे इनएक्टिव कौन करता है, क्लेविक्लोनिक एसिड, टेजोबैक्टम। अरे फर्स्ट में टेजोबैक्टम था ना, ओके। एंड थर्ड ड्रग कौन सी थी, सेफ्ट्रायोक्सोन सेलबैक्टम। एंड सेफ्ट्रायोक्सोन ये क्या है, सिफेलोस्पोरिन यानी कि बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक, एंड सेफ्ट्रायोक्सोन सेलबैक्टम। सेलबैक्टम ये क्या होती है, दिस इज बीटा लैक्टिमेज इनहिबिटर। मतलब कि वही बैक्टीरिया का जो बीटा लैक्टिमेज एंजाइम होता है उसे इनएक्टिवेट कर देती है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक होती है उसके साथ हमने बीटा लैक्टिमेज एंजाइम इनहिबिटर वाली ड्रग्स क्यों ऐड की। ओके, ओवरऑल न्यू है कि बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक इसके अंदर क्या आते हैं, पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, मोनोबैक्टम एंड कार्बापेनम्स, ये सारे के सारे क्या हैं, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। एंड अब मैं बोलूं बीटा लैक्टिमेज इनहिबिटर, ओके, इसके अंदर क्या आएंगे, तीन चीजें आएंगी, और भी आती है, मैं तीन का ही नाम यहां ले रहा हूं। सबसे पहले क्या है, क्लेविक्लोनिक एसिड, देन टेजोबैक्टम एंड सुलबैक्टम। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे, एंड आज की हमारी वीडियो यहीं पर फिनिश होती है, बाय।